गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर्थ. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू सम न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर टू रिलेटेड दिस पोएम वाई. ओके, वी ऑलरेडी डिड दिस पोएम इन लास्ट क्लास, बट वी आर अगेन रिसाइट दिस पोएम टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई. Why this? Why that? Why when? Why then? Why now? Why not? Why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these why are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. तो इसमें ये बेटा, ये पोएम एक ऐसे बच्चे की है जिसकी क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा होती है, जानने की शक्ति मतलब इच्छा कुछ ज़्यादा होती है, और वो हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, पहले ऐसा क्यों था. ठीक है, वो जानना चाहता है कि जो लकड़ी है वो पानी में क्यों तैरती है, और मार्बल्स और लीड वगैरह जो है वो सिंक क्यों हो जाते हैं, पानी में क्यों डूब जाते हैं, सन जो है वो क्यों चमकता है, हवा क्यों बहती है, हम खाना क्यों खाते हैं. हैं, वो जानना चाहता है कि बादल कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, और ये आसमान में इधर उधर उसको क्रॉस क्यों करते रहते हैं आसमान को, सूरज पहाड़ियों के पीछे क्यों छिपता है, और जो फ्लावर्स है वो क्यों मर जाते हैं. सम ऑफ दिस वाई आर नॉट टू हार्ड, कुछ जो वाइज का जो बेटा आप रीज़न जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वो मुश्किल नहीं है अगर आप ट्राई करो तो उसका आंसर ढूंढने का. ठीक है, आप अगर कोशिश करो जानने की तो इनके आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है, पर कुछ जो वाइज है मतलब कुछ कारण है कि ऐसा क्यों हुआ, उनके रीज़न तो उनके कारण तो बेटा किसी को भी नहीं पता. ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम जिसका नाम था वाई. तो अब हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. तो न्यू वर्ड्स है क्यूरियस, लीड, मार्बल, सिंक एंड रीजन. ओके, अब इनकी मीनिंग देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज क्यूरियस, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा क्या होता है, क्यूरियस, इसको बोलते हैं क्यूरियसिटी. इस लड़के की क्यूरियसिटी ज़्यादा है, ये कुछ ज़्यादा जानना चाहता है. लीड टू गाइड अ ग्रुप ऑफ पीपल. थर्ड वन इज मार्बल, अ लिटिल ग्लास बॉल. फोर्थ वन इज सिंक, टू गो डाउन बिलो द सरफेस. एंड रीज़न, रीज़न मीन्स कारण, अ कॉज. ठीक है, तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स. नाउ अब बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. नेम अ फ्यू थिंग्स डेट सिंक, तो कुछ चीज़ों के नाम लिखो जो कि सिंक होते हैं, मतलब पानी के अंदर सिंक होते हैं, डूबते हैं. तो लीड एंड मार्बल्स सिंक इन वाटर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट थ्री क्वेश्चन डेट द लिटल बॉय आस्क्स. तो इस तरह के तीन क्वेश्चन जो है उनकी लिस्ट बनानी है जो कि पोएम में उस लड़के के द्वारा पूछे गए हैं. तो पहला, वाई वुड शुड स्विम, जो वुड है लकड़ी है वो कैसे तैरती है. वाई सन शुड साइन, सूरज कैसे चमकता है. वाई विंड शुड ब्लो, जो हवा है वो क्यों बहती है. ठीक है, तो ये हमारे न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको आपकी इंग्लिश में की कॉपी में करना है. ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दीज न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड लर्न दीज ऑल्सो. थैंक यू.